आपका स्वागत है क्लिप्स बस देखते रहो और सीखते रहो तो एक अभी हम जाएं इसके बारे में कि सबसे जरूरी है ऑफ फोर एक्स एंड सेकेंड इज स्लीप एंड थर्ड इज एक्सरसाइज अब मैं इस चीज में विश्वास ही नहीं रखती कि आप वेट लॉस कर रहे हो बट आप बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस कर रहे हो क्योंकि आपका वेट लॉस हो रहा है बट hmm. उसमें आपका फिफ्टी परसेंट मसल लॉस हो रहा है hmm. इसका मतलब जब आप डाइट बंद करोगे तो आप जो अट्ठारह सौ कैलोरी में आप अगर अपना वेट मेंटेन कर रहे थे वो, वो सोलह सौ पहुँच जाएगा दैट मीन्स आपको कम खाना मिलेगा मसल लॉस हमको चाहिए नहीं बिकॉज हम जो कैलोरी बर्न करते हैं मसल के जरिए से करते हैं hmm. तो अगर मसल कम हो गया तो कैलोरी बर्न कम हो गया इसका मतलब आप जितनी कैलोरी खा रहे हो ज़्यादा खाओगे तो वजन बढ़ेगा इट्स वेरी सिंपल मैथ्स तो एक्सरसाइज इज़ द थर्ड पिलर फॉर एक्स स्लीप एक्सरसाइज एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग नहीं है हाँ सो so, जैसे कि डाइट में भी कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन फैट काब्ज एंड फाइबर इसी तरह से एक्सरसाइज में भी कॉम्बिनेशन होता है लोग भूल जाते हैं वेट कम करना है तो रोज़ जिम जाके जैसे कितने लोग आते हैं मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ वीक में तीन दिन बाकी के तीन दिन मैं योगा कर रहा हूँ और शाम को मैं गेम्स खेल रहा हूँ और बाकी के तीन दिन मैं स्विमिंग कर रहा हूँ बट बैलेंस किधर है आपका देर इज नो बैलेंस सो बिलीव एक्सरसाइज में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ मसल बिल्डिंग स्ट्रेचिंग लो इम्पैक्ट कार्डियो एंड हाई इम्पैक्ट कार्डियो ये चार का बैलेंस होना चाहिए इसमें से आप एक चीज को उड़ा सकते हो मसल बिल्डिंग यानी कि या तो जिम या तो फ्री बॉडी फ्री बॉडी वेट ट्रेनिंग पिलाड़ीज इवन योगा टू सर्टेन एक्सटेंट वो होल्ड्स करते हाँ, हैं योगा में योगा भी एक तरह से स्ट्रेचिंग एंड मसल बिल्डिंग दोनों रहता mm -hmm. है और एनी ऑफ दीज एक्सरसाइज हाई इम्पैक्ट कार्डियो में आ गया आपका डांस एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट ऑल दिस इज हाई इम्पैक्ट कार्डियो इवन स्विमिंग इज स्विमिंग को भी हम मसल बिल्डिंग में ही बांधते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज तो so, स्विमिंग भी आपका मसल बिल्डिंग में आता है बिकॉज आपकी मसल ही बिल्ड होती है स्विमिंग में कार्डियो भी रहता है आपके कार्डियो वाइस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छा होता है बट उसमें आता है और उसके बाद हो जाता है लो लोमपा कार्डियो विच इज़ वॉकिंग ना वॉकिंग अगर मेरे पास कोई इंसान आता है जो कि हमारे क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं तो जो लंडन से आया है, कोई अमेरिका से आया वो लोग जो होते हैं ना कि आ, वो एज इट इज़ बहुत स्टेप्स लेते हैं दिन के क्योंकि उनको इंडिया के जैसे फैसिलिटी नहीं होती छोटे छोटे घर नहीं होते जो रोड होते हैं बहुत फ्रेश होते हैं वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता तो वहाँ के लोग एज इट इज़ टेन थाउजेंड स्टेप्स चल लेते हैं दिन के इंडिया में जो मेट्रो सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है टेन थाउजेंड स्टेप्स होता नहीं है किसी का अगर आप एक घंटा चलो ना तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ एनी थिंग से दस कदम और सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ स्ट्रेचिंग थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ टोनिंग टोनिंग मसल बिल्डिंग ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो चाहिए कोई वेट लॉस अगर किसी को करना है तो हम उनको कहते हैं आप सत्तर प्रतिशत लो इम्पैक्ट कार्डियो करिए बीस प्रतिशत अगर आप सोचिए कि आपने दस घंटे देने हैं दिन सप्ताह के बीस प्रतिशत आप टोनिंग या मसल ट्रेनिंग करें और टेन प्रतिशत टाइम आप अपना स्ट्रेचिंग में डालें ये okay. uh, एक बहुत भारत स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्पेशली uh, छोटे शहरों में ना uh, लेडीज़ घर को छोड़ नहीं सकती अलग अलग रीजंस की वजह से तो घर पर बैठ कर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकता घर पर बैठ के आजकल तो आफ्टर जो कोविड के बाद में तो इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं जैसे कि वॉक अ माइल की क्लास है जो कि सब फ्री हैं जेन फोंडा की है लेस्ली सिम्सन की है वॉक अ माइल टी चालू किया एंड वो कर सकती हैं मौका वो हम लोग ने सबको दिया था कोविड के टाइम पे योगा क्लासेस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि वो कर सकती हैं डांस क्लासेज हाई इम्पैक्ट कार्डियो भी वो कर सकती है खाली वेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो मैं मानती हूँ कि आपको अंडर गाइडेंस ही करना चाहिए यहाँ अगर घर पे एक पुलाब बार डाल दिया एक छोटा सा सेटअप बना दिया तो घर पे हो सकती है वेट याँ। ट्रेनिंग आई थिंक लेडीज के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी है लोग एक जमाने में डरते थे वेट ट्रेनिंग की वजह से क्योंकि ये लगता था कि पहलवान की तरह लगेंगे पर ये सच नहीं है मैं आपको बताऊं मेरे पास इतने लोग आते हैं जो खाली वॉक करते हैं ना 45 के बाद में सबसे पहले तो फ्रोजन शोल्डर होता है बाद में प्लैंटरफेसाइटिस हो जाता है बाद में बैक पेन हो जाती है और कोई ना कोई तो मसल पेन होता ही है उनको तो अगर आप ट्रेनिंग 40 साल की उम्र के बाद शुरू नहीं करते हो तो आप यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी बैड क्वालिटी ऑफ हेल्थ लेटर इन लाइफ बॉडी टूटने लगती है एकदम और आप जो वॉकिंग है वो भी नहीं कर पाते एक वुमेन को किस एज पे स्टार्ट करनी चाहिए वेट ट्रेनिंग फॉर लाइफ। वेट ट्रेनिंग या टोनिंग सो so, वेट ट्रेनिंग में वुमेन को कहती हूँ कि फॉर वुमेन स्पेसिफिक उनके लिए ज़रूरी होता है आ, योगा इज बेटर देन वेट ट्रेनिंग एंड पिलाटेज इज बेटर देन वेट ट्रेनिंग बिकॉज पिलाटे में अपने आप ही स्लो वेट ट्रेनिंग होता है बट अगर वेट ट्रेनिंग करना चाहें तो आफ्टर द ग्रोथ पीरियड विच इज आफ्टर एटीन 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 देखो हाइट ग्रोथ क्योंकि वाई वी डोंट टेल हम क्यों नहीं बोलते लेडीज़ को वेट ट्रेनिंग उसके पहले शुरू करने के लिए बिकॉज उसके लिए हमको डाइट बैलेंस करना पड़ता है ज़्यादा प्रोटीन के लिए uh, जो भी एक्सरसाइज करें उसमें प्रोटीन sparing इफेक्ट होना चाहिए uh, जिससे कि जो भी प्रोटीन हम खा रहे हैं वो हमारे ग्रोथ में जाना चाहिए नॉट towards मसल बिल्डिंग इसके लिए बट 18 साल के बाद तो आसानी से शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारा हाइट ग्रोथ तब तक ख़त्म हो जाता है हाइट के लिए सबसे ज़रूरी है स्विमिंग साइकिलिंग ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है हाइट के लिए एंड एंड योगा इज़ वेरी गुड बिफोर द एज ऑफ 18। पिलाटिस इज़ वेरी गुड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उस वक्त हमें प्रेगनेंसी योगा या वॉकिंग करना चाहिए उनके स्पेशलाइज क्लासेस होते हैं तो वो सब करना चाहिए लैक्टेशन के टाइम पे भी हमको ये ये जो तीनों पीरियड हैं ग्रोथ पीरियड टिल 18 देन लैक्टेशन पीरियड सॉरी प्रेगनेंसी पीरियड एंड लैक्टेशन जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को इसमें प्रोटीन स्पेयरिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी प्रोटीन है वो उसके खुद के बॉडी के लिए चाहिए वुमेन को या प्रेगनेंसी uh, के टाइम पे फॉर द बेबीज बच्चे के लिए डिवेलपमेंट uh, के लिए एंड लैक्टेशन में भी दूध को रिच बनाने के लिए चाहिए तो उसमें बहुत जरूरी है कि सोच समझ के करें एंड ऑफकोर्स पूरी जिंदगी पड़ी है बाद में वेट ट्रेनिंग के लिए ऐसे तो ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ